लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोपहर से देना चाह रही थी मैं तुमको। भाई छोड़ो मुझे, मुझे मेरा होमवर्क करना है। अम्मी आ रही हूँ। अम्मी जल्दी आओ। क्या हुआ अम्मी? लगता है भाई का दिमाग ना सदमे से हिल गया है। बकवास मत कर। और नहीं तो क्या? अरे वो कहता है कि उसे एक नए गुरुजी मिल गए हैं। सच में? अगर अब्बू को मालूम हुआ कि मैं स्कूल को पटमार कर यहाँ पर बैठी हूँ तो वो मुझे मार डालेंगे। ठीक है, बोलो क्या बात है। मुझे जितना आता है मैं इसे सिखा दूंगा। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, इतनी शराब पी है मैंने। अपनी इस लेक्चर बाजी के लिए मुझे यहाँ पर बुलाता है? आपको कुछ और ही कहना है। आप मुझे जरा भी पसंद नहीं करती ना। मैं अपने भाई को फिर से दुखी नहीं देखना चाहती, और वैसे भी ये ज़्यादा देर नहीं चलने वाला है। तुम फिर से पीना शुरू कर दोगे। मैं भी उसी यही कह रहा था, पर ये माने तब ना। लेकिन जब तक हम दोनों इस खेल में अटके हुए हैं तो आप जरा मेहरबानी करके मुझे बर्दाश्त करने का थोड़ा सा नाटक कर लें तो हमारे लिए ज़रा आसानी होगी। खुदा कहता है कि शराब पीना बुरी बात है। खुदा तो बहुत कुछ कहता है, मैं इसीलिए शराब पीता हूँ कि उसकी आवाज़ मेरे कानों तक ना पहुँच सके। अब अगर आपने मेरे गुनाहों का हिसाब करना पूरा कर लिया हो तो हम कुछ काम करना शुरू करें। भैया। ए सानिया, फूलों का तारों का सबका बोलना है, एक हजारों में अब उनकी बहना है। I missed you. क्या बात है, बहुत दुबली हो गई तू। डाइटिंग कर रही हूँ ना। की डाइट? ये आइटम कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड। फुल एंड फाइनल? ऑलमोस्ट। क्या बात है। अबे ओ होने वाले चीजू, अपने होने वाले साले की तरह पलट। अबे वो कटी पतंग तू? पहचाना क्या अपुन को? अपुन अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। सॉरी भाई, भाई भाई टाटा। अबे रुक रुक रुक, अबे जीजू रुक। सानिया अपुन को बोली, तेरी चंग ना आएगी उसकी डोली। जी भाई। अबे यार तू घबराता काय को यार, रिलैक्स, अब तो तू फैमिली है यार। चला अपुन तेरे को अपना बिजनेस दिखाता है, अंडरवर्ल्ड का कॉर्पोरेट वर्ल्ड।
डब्बे को करे जा, तीन पेटी भेज दे वरना तेरी बेटी को पेटीकोट में भेजेगा। अरे सुनो, उनके अंडरवर्ल्ड का कॉल सेंटर बोले तो वसूली डिपार्टमेंट, या मेरे ट्रेन के वो लड़के 24 घंटे फोन पे लगे रहते पैसे वाले को धमकाते हुए अलग अलग भाषा में। भाई मुझे बहुत जोर से लगी है, जाऊं क्या? हाँ जाना यार, कब तक रोक के रखे हो? तो जा उधर सीधे जाओ, लेफ्ट का दरवाजा ना, उधर जा। भाई मालिक, माई बाप, गॉडफादर, सरकार। हाँ बोल भाई। सच तो ये है कि सानिया और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जहां तक प्यार की बात है, अब बोल। करता हूँ भाई, बहुत प्यार करता हूँ। तो कोई प्रेशर में आके तो नहीं बोल रहा ना? ऐसी बातें कर रहे हैं भाई, सच्चा प्यार कभी प्रेशर में होता है क्या? देख अपुन ने है ना अपनी बहन को बहुत प्यार से पाला है, उसके लिए अपुन कुछ भी करेगा साला, कसम खा कि उसके साथ कभी चीटिंग नहीं करेगा तो कसम खा साला, खाने कसम। भैया, भैया क्या कर रहे हो? लीव ही मलोन, प्यार करता है मुझसे। आपको ये भी पसंद नहीं आया? अरे नहीं रे बहना, अपने को तो ऐसा ही लड़का चाहिए तेरे वास्ते, एकदम कौला चिकना है, संस्कारी। भाई आप बोले तो हम दोनों बात कर सकते हैं प्राइवेट में ना। अरे जाओ 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 चलो। अरे वैसे तो अपन बहुत ओपन माइंडेड भाई रे, जा 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 जा। सानिया तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा भाई भाई है। आशीष, हर बहन का भाई भाई होता है। भाई मतलब डन, और वो भी इतना बड़ा। यू नो समथिंग, बचपन से ही हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे संस्कार दिए हैं कि कभी पैसे और पावर का शो ऑफ मत करो। डोंट वरी, वो दिल का बहुत अच्छा है। ये तो हमारी सरकार ही है जो उसे समझ नहीं पाती। लैला मजनू की प्राइवेट बातें खत्म हुई कि नहीं? जी। तो रिश्ता पक्का? शर्मा रहा है। ए माँ की आँख, हे अंतोनी अंटेना, हे लकी लोकल, अपनी बहन को सच्चा प्यार हो गया ला रे। आज अपुन के कंपनी में बैंक हॉलिडे, कोई सुपारी नहीं, कोई किडनैपिंग नहीं, कोई लोचा नहीं, कोई लबाचा नहीं, जस्ट एंजॉय। भैया। हाँ रे। भैया, मेरी बहन ने मुझे पहचान लिया। भैया, ओ भैया, देखो कौन आया है। कौन आया है? माँ। कौन? बेटा, कहाँ खो गया था रे? माँ, कहाँ खो गया था? कहाँ खो गया था? तेरे लिए रो रो के माँ का कलेजा सूख गया था भैया। मैं भी तुम लोगों के लिए बहुत रोया माँ, बहुत रोया रे। माँ पिताजी कहाँ है? जेल से छूटने के बाद वो घर नहीं लौटे। क्या? हाँ बेटा, चल अंदर चल। लेकिन माँ तुम लोगों ने इतने दिन पिताजी के बगैर काटे कैसे? माँ एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है और मैं दो एक ट्यूशन करके पढ़ाई करती हूँ। जानता है राकेश, गीता हमेशा फर्स्ट आती है फिर भी पढ़ाई छोड़ना चाहती है। क्यों? पढ़ाई क्यों छोड़ेगी? अब माँ इस उम्र में कब तक काम करेगी भैया, इसलिए मैं चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तू पढ़ाई करेगी और आज के बाद माँ सिर्फ आराम करेगी, अब से इस घर की जिम्मेदारी मेरी। लगता है कोई आया है। ये ले, चल पी ले। कौन? नमस्ते सुजाता देवी। नमस्ते कन्हैया लाल जी। हाँ। भाड़ी के लिए आपको दो चार दिन रुकना पड़ेगा। हाँ? दो चार दिन? दो चार दिन कहते कहते तो चार महीने बीत गए। क्या करूं, मजबूरी है। मजबूरी? ये आप क्या कर रही है सुजाता देवी, जिसके घर में जवान खूबसूरत लड़की हो उसकी भला क्या मजबूरी हो सकती है? कन्हैया लाल जी, नाराज क्यों होती है सुजाता देवी? कहिए तो धंधे पे लगा दूंगा। चुप है बुड्ढे, घर में कंटी डाल कर दलाली करता है, मोहित मुझे जान से मार दूंगा। बस बेटा बस, उठ। क्या बोला? क्या?
बोल। बस कर बेटा बस। बोल। छोड़ दे उसे। जा। माँ के पांव पकड़कर माफी मांग। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो सिर्फ भाड़े के लिए था माँ जी। कितने पैसे होते हैं तेरे? 750, 750। चले, बाकी अपने पास रख लेना। चल फट। जी, जी, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। माँ, आज के बाद हम इस मकान में नहीं रहेंगे। तो फिर हम कहाँ रहेंगे बेटे? तेरे बेटे के पास मकान है, हम सब अपने मकान में रहेंगे। चलो। कितना आलीशान बंगला है, तेरा है? तो फिर किसका है? तेरा है। भैया तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया रे, तू काम क्या करता है? बस ऐसे छोटा मोटा काम करता रहता हूँ। वैसे ये बंगला मेरा नहीं, मेरे पार्टनर का है। चल आमा। वो देखो माँ, तुमने तो कहा था 5 साल बाद लौटाओगे, 15 साल बीत गए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए तुम। हमें भूल गए क्या? आखिर हमारा कसूर क्या है? मत रो माँ, जब तुम दोनों मिल गए तो पिताजी भी जरूर मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे माँ। तूने मुझे जीवन दिया है, मेरा वजूद सिर्फ तुझसे है, सिर्फ तुझसे है माँ। राखी को तो मैंने जन्म दिया है, मगर तू तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तुझे पाकर फिर भगवान से मैंने कुछ नहीं मांगा। क्यों झूठ बोल रही हो माँ? सुबह से लेकर शाम तक तुम भैया की सलामती की पूजा करती रहती हो और फिर भी कहती हो कि तुम भगवान से कुछ भी नहीं मांगती। ए राखी चुप, जलती है तू क्योंकि माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है। क्या जलती हूँ तुमसे? माय फुट। अरे बाप रे बाप, माँ ये तो फुल झगड़े के मूड में आई है। झगड़ा करने नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि मैं कॉलेज जा रही हूँ और आपके पर्स से मैंने 1000 रुपए ले लिए हैं। देखा माँ, पुलिस वाले के घर में डाका। ए डाका नहीं डाला, अपना हक लिया है मैंने। बाय द वे आपका नाश्ता लगा दिया है, जब आप माँ बेटे का भरत मिलाप खत्म हो जाए तो कृपा करके खा लीजिएगा। चलती हूँ, बाय बाय मॉम। भैया वो एक लड़का है, तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है, BSc फाइनल ईयर, नाम विवेक आचार्य, जस्टिस आचार्य का बेटा, और तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो। आपको कैसे पता भैया? पुलिस वाला हूं, कोई दूध वाला नहीं, सारे शहर की खबर रखता हूं। मेरी बहन कब कहां और किससे मिलती है ये भी मुझे पता नहीं होगा, बेवकूफ समझती मुझे। क्या तुम प्यार करती हो उससे? नहीं। व्हाट? हाँ। मुझे देखो, गुड चॉइस। सच भैया? या हूं, मैं जैसा से बात करूंगा। भैया। अरे राखी, तुम लोग दोनों पुलिस स्टेशन में, बताओ कौन किसकी रिपोर्ट लिखाने आया है? सबसे पहले तो आप मेरी रिपोर्ट लिखिए सर, ये आपकी बहन हर वक्त मुझे धमकाती रहती है, ये ना किया तो अंदर करवा दूंगी, वो ना किया तो हथकड़ी लगवा दूंगी। तो क्या गलत करती है? देखो ना भैया, हायर स्टडीज के लिए गवर्नमेंट इसे स्कॉलरशिप दे रही और ये जनाब है जो जाने से इनकार कर रहे हैं। भैया हमारी सगाई को अभी 3 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए और ये मुझे 3 साल के वनवास के लिए कनाडा भेजना चाहती है। नहीं भैया मुझे नहीं जाना। अगर तेरी जगह मैं होता मैं तो सगाई के अगले दिन ही निकल जाता। भैया इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, इसे मिस मत करो, ये तो तुम मिल गई, अब उसे मत छोड़ो। और रहा तुम्हारी मंगेतर का सवाल, तो मेरा नाम है अर्जुन रणावत,
डोंट वरी।